भोपाल में हुए स्वास्थ्य कर्मियों पर लाठीचार्ज को लेकर सियासत गर्माने लगी है। लाठीचार्ज के बाद सियासी प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी है। प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज को लेकर पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने सीएम शिवराज पर सवाल उठाए हैं। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जीतू पटवारी का कहना है कि कोरोना काल में अपनी जान दांव पर लगाकर सेवा देने वालों पर लाठीचार्ज करना निंदनीय है। पटवारी ने लाठीचार्ज को लेकर सीएम शिवराज पर निशाना साधा। वहीं पुलिस की कार्यशैली पर उठ रहे सवाल पर गृह मंत्री इस पर जांच कर कार्रवाई करने की बात कही। और बीजेपी की नहीं है बात, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री की है। और मुख्यमंत्री जब होते हैं तो वो किसी पार्टी के, वो कांग्रेस और बीजेपी के नहीं होते हैं, मुख्यमंत्री प्रदेश के होते हैं। मेरे भी मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान। तो मैं मेरे मुख्यमंत्री से आग्रह करना चाहता हूँ कि जो परिवार के लोगों को आपने कल लाठी डंडों से जो गर्भवतियों को पीटा है, ये मेरे प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं कर सकता है। मेरा आग्रह है, प्रार्थना है, हाथ जोड़कर विनर में अपील है कि पूरा संज्ञान में विषय को लेकर समाधान की ओर काम करें। वहीं लाठीचार्ज के दौरान पुलिस की कार्यशैली पर उठ रहे सवाल पर गृह मंत्री ने जांच कर कार्रवाई करने की बात कही। मैं उसकी जानकारी लेता हूं, अगर ये घटना सत्य होगी तो कार्रवाई होगी। पहले की सरकार, कांग्रेस की सरकार कागज पर कार्रवाई करती थी, हम धरातल पर कार्रवाई करते हैं। बस यही इन दो सरकार का वास्तविक अंतर है जो आपके सामने है। लोगों के स्वास्थ्य के साथ में हम खिलवाड़ नहीं होने देंगे। मिलावट पर कसावट है, मतलब कसावट ही करेंगे। कमलनाथ या कांग्रेस को कोई अधिकार नहीं है इस विषय पे बोलने का। कोविड-19 में जरूरत पड़ने पर की गई अस्थाई भर्ती ने अब सियासी रूप ले लिया है और स्वास्थ्य कर्मियों की मांग से सरकार पर अब उंगली उठने लगी है। बहरहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार इस मामले में क्या संज्ञान लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, वंदे भारत न्यूज।